बीएसपी प्रबंधन द्वारा बीएसपी क्षेत्र के लीज धारकों को नोटिस दिए जाने पर नगर निगम भिलाई के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नगरी निकाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक नेता संजय दानी ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर बीएसपी प्रबंधन ने टाउनशिप के लीज धारकों से लीज रजिस्ट्री कराने का नोटिस जारी कर दिया है। श्री दानी ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने 5 चरणों में लगभग 4500 मकानों को लीज पर दिया था। अनुबंध के दौरान लीज धारकों ने उस समय के बाजार भाव के हिसाब से भुगतान किया था। लीज पर रजिस्ट्री की चर्चा न तो प्रबंधन ने की थी, न ही उस समय जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रस्ताव दिया गया था। ऐसे में बीएसपी प्रबंधन भी जमीन के नए दर से अनुबंध का पंजीयन कराने दबाव नहीं डाल सकता। इसके बाद से टाउनशिप के लीज धारकों में संशय की स्थिति है। देखिए, आपने कुछ अभी देखा होगा समाचार पत्रों में, जो भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने जो सन 2001 से लेकर 2003 तक लगभग 5 चरणों में जो लीज आवास योजना के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 4500 जो हितग्राही थे उनको उन्होंने लीज के तहत मकानों का आवंटन किया। अभी अचानक 20 से 22 वर्षों बाद भिलाई इस्पात संयंत्र हर लीज आवास धारकों को एक नोटिस भेजता है कि आप अपने लीज़ की रजिस्ट्री कराएं, उनका पंजीयन कराएं। ठीक है, यहाँ तक बात सही है कि अचानक 22 साल बाद उनको उन लीज़ आवास धारकों की उन्होंने सुध ली। मगर यहाँ तकनीकी पहलू मैं उनसे जानना चाहता हूँ भिलाई इस्पात संयंत्र को, क्योंकि पंजीयन का अधिकार जिला पंजय कार्यालय को है, भिलाई इस्पात संयंत्र को नहीं है। जितने भी लीज आवास धारक हैं वो 4500 की के पंजीयन लीज़ की पंजीयन के लिए अपना जो आवेदन उनको नोटिस भेजा, आवेदन के माध्यम से सब लोगों को आवेदन वहाँ जिला पंजीयन कार्यालय में करना है। और इसके पीछे का जो एक गणित है, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भिलाई नगर निगम को उन आवासों को जिन्होंने अतिरिक्त निर्माण कर लिया है, जो मूल ढांचा में परिवर्तन करके जो अतिरिक्त निर्माण कर लिया है, उन अतिरिक्त निर्माण को नियमितीकरण के माध्यम से उसको रेगुलाइज आप कर सकते हैं, है ना। तो अगर नियमितीकरण करना है तो उसके पहले आपको लीज डीड की रजिस्ट्री करना आवश्यक है। यहाँ एक तकनीकी पहलू और आता है कि भिलाई नगर निगम ये कह रहा है कि भाई उनके लीज डीड की रजिस्ट्री होगी, मगर वो तो मकान है, सिर्फ एक प्लाट नहीं है, वहाँ ऑलरेडी पहले से मकान है। तो मकान की रजिस्ट्री आप किस आधार पर करेंगे ये उन लीज धारकों को बताना बहुत आवश्यक होगा। जब लीज डीड की रजिस्ट्री होगी उसके बाद नियमितीकरण का आवेदन भिलाई नगर निगम के माध्यम से होगा। अब भिलाई नगर निगम देखा पूर्व में भी उन्होंने एक शिविर लगाया था, जो शिविर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसका कारण ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के जो उच्च अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि नियमितीकरण और जो अर्थदंड होता है उसका पूरा अधिकार भिलाई इस्पात संयंत्र के पास सुरक्षित है। और यहाँ एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र को नियमितीकरण करने का अधिकार नहीं है, नियमितीकरण करने का अधिकार मात्र भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को है। मैंने ये अभी उनसे ये जानना भी चाहा कि भाई प्रत्येक लीजधारी जितने भी होंगे, जिन्हों जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, आज बेचारों के पास मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा पूंजी होगी उनके पास, है ना। उस समय जो जब 20-22 साल पहले जो आवास ली जो लीज किया का जो पंजीयन वो लीज डील का पंजीयन कराना चाह रहे थे, तो उस समय यही जिला पंजीयक अधिकारी ने साफ साफ मना कर दिया था। उस समय की जो गणना है, जो आपका जो पंजीयन का जो भी दर सुनिश्चित किया जाएगा, उस समय की गणना के आधार पर किया जाएगा कि आज वर्तमान दर के आधार पर किया जाएगा। अगर वर्तमान दर के आधार पर करते हैं तो निश्चित रूप से उनको कई गुना राशि का भुगतान उनको देना पड़ेगा, जो मैं नहीं समझता सब विचार दे पाएंगे। ठीक उसी तरह मैंने नगर निगम आयुक्त श्री रोहित वाद्य से जानना चाहता हूँ कि आप ये स्पष्ट करें कि नियमितीकरण में अर्थदंड की राशि कितनी लेंगे, कितना फाइन करेगा नगर निगम, और कितनी राशि प्रत्येक जो लीज धारक जो आवास धारक हैं उनको देनी पड़ेगी। ये यहाँ पे देखिए कितना मतलब गुमराह करने और दिग्भ्रमित करने का प्रयास एक किया जा रहा है कि उनको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि हमको लीज डीड के माध्यम से कितनी राशि देना पड़ेगा और हमको नियमितीकरण के माध्यम से कितनी राशि देना पड़ेगा। और यहाँ सबसे बड़ा जो तकनीक जो पहलू आ रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का, ये कहना है कि नियमितीकरण और अर्थदंड का अधिकार हमारे पास है। ये जब सारी बातें हैं इसको कम से कम लीज आवास धारकों के सामने लाना था और उसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए।
ताकि वो जो इतने साल से जो 22 साल से ये भिलाई इस्पात संयंत्र के आधार स्तंभ है, ये सेवानिवृत्त श्रमवीर हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर आज उस इस भिलाई की शान बढ़ाई है। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए जो निश्चित रूप से एक एशिया नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज अगर उनको अपने आवासों के लिए अगर इस तरह से भटकना पड़े और उन इस तरह से दुनिया भर के तकनीकी पहलियों से गुजरना पड़े तो मैं समझता हूँ ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। मेरा भिलाई नगर निगम आयुक्त और राज्य शासन से माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये अपील करता हूँ या अनुरोध भी करता हूँ कि जितने भी 4,500 लीज आवास धारक हैं और उसमें बहुत सारे दुकानदार भी हैं जिन जिन लोगों ने आवेदन किया है, उन सब का जो भी चाहे नियमितीकरण हो चाहे लीज डील के पंजीयन का जो भी राशि आती है उस राशि को स्वयं नगर निगम और राज्य सरकार स्वयं वहन करो, ये हमारी उनसे गुजारिश है। जैसे देखिए मैं जहाँ तक मैं सन 2000 में सबसे प्रथमा भिलाई नगर निगम में पार्षद और नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया है तो जितना मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार को का अभी जो लीज डील के रजिस्ट्रेशन की बातें और नियमितीकरण की जो बातें आ रही है उसमें कम से कम प्रत्येक लीज धारकों को जी आवास धारकों को लगभग न्यूनतम 1 लाख रुपए से कम 10 लाख तक रुपए तक आएगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अतिरिक्त निर्माण बनाया है उसका कोई सीमा नहीं है, कई लोगों ने 4 कमरा 5 कमरा बना, तो ये सारी बातें प्रबंधन या जो भी जिम्मेदार ये विभाग है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें जो आने वाला है ये जो प्रक्रिया होगी इसमें निश्चित रूप से ऑडिट का ऑब्जेक्शन आएगा, अंकेक्षण जो विभाग होता है उसकी आपत्ति आना तय है। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे भिलाई नगर निगम हो के आयुक्त हो, नगर सेवा विभाग के महाप्रबंधक हो और जिला पंजीयन अधिकारी हो, उन सारे लोगों को एक सामूहिक रूप से एक ऐसा अपना स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक संवेदनशील और गंभीर मामला है, इसमें अपनी राय देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों के ये उन श्रमवीरों से और उस भिलाई इस्पात संयंत्र के आधार स्तंभ जिन्होंने आज इतने सेवाएं दी हैं उनसे जुड़ा मामला है और मैं चाहता हूँ इसमें उनके उनके अधिकार में उनके हक में फैसला आना चाहिए।